तो गाइस आप में से कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स से हम कहाँ से परचेस करें। दोस्तों देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हर किसी को ये कंपोनेंट्स परचेस करने के लिए कोई शॉप नहीं मिलती, क्योंकि ये ज्यादातर कंपोनेंट्स हार्डवेयर की शॉप नहीं मिलते। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप में मिलेंगे, जो ज्यादातर एरियाज में नहीं होते, काफी दूर दूर होते। अब मेरे कई भाई है जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा होगा, काफी लोग कमेंट करके मुझे बार बार पूछते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स हम कहाँ से परचेस करें। तो ये कंपोनेंट्स आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं आपको घर के सामान में ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जो कंपोनेंट्स है आपको पता ही होगा, मैंने कई बार मेरे वीडियोस में यूज किया है, जहाँ पे मैं हाउ टू मेक टीवी रिमोट कंट्रोल कार इन सिर्फ 3 कंपोनेंट से बनाता हूँ। पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके कंपोनेंट्स मैंने पहले भी कई बनाया हूँ और मेरे कई वीडियोस में यूज किया हूँ, यहाँ पर यही 3 कंपोनेंट्स है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ। तो ये कंपोनेंट्स आपको बाहर कहीं से परचेस करने की जरूरत नहीं है, मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ से आप ये कंपोनेंट जो है निकाल सकते हो डिसोल्डर करके। दोस्तों देखिए मेरे पास में कई तरीके के कंपोनेंट्स और जो पीसीबी बोर्ड्स होते हैं वो मैंने सैलवेज करके यानी जमा करके रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे मेरे पास में बोर्ड्स हैं। तो जब जब आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट खराब हो जाता है तो उसके जो बोर्ड्स होते हैं दोस्तों उसे आपको निकाल कर कुछ इस तरीके से रख लेना है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको उसमें के कोई भी कंपोनेंट्स यूज आ जाए। अब ये जो है एक छोटे से चार्जर में का सर्किट बोर्ड है। अब इसमें यहाँ पर आपको देखिए एक कैपेसिटर देखने को मिल रहा है, एक ट्रांजिस्टर भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको इसमें जूम करके बताऊं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये 1303 इसका वैल्यू है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर है दोस्तों उसकी भी वैल्यू यहाँ पे शो होगी। देखिए 450 वोल्ट 2.2 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे देखिए 470 वोल्ट 16 माइक्रोफेरेड। तो ऐसे तरीके के कैपेसिटर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जब मैं 470 वोल्ट का कैपेसिटर बाहर से परचेस करके लाता हूँ तो उससे तो अच्छा है दोस्तों इस कंपोनेंट्स में से मैं इसे डिसोल्डर करके निकाल लूँ। यहाँ पर इसके पॉइंट्स भी शो हो रहे हैं, मुझे बस सोल्डरिंग आयरन की जरूरत पड़ेगी, मैं इसे यहाँ से निकाल सकता हूँ और यूज कर सकता हूँ। इसी तरीके से आपको इसके अंदर ट्रांजिस्टर भी देखने को मिलेगा, जो ट्रांजिस्टर मैं इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है वो 1303 उसका नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो 13300 यहाँ पे नंबर है। तो ये ट्रांजिस्टर अलग किस्म का है, जबकि हम यूज करते हैं वो BD140 ट्रांजिस्टर है, राइट दोस्तों। लेकिन आप ऐसे ट्रांजिस्टर ढूंढ सकते हो, अगर आपके पास में ऐसे कोई सर्किट बोर्ड पड़े हुए हैं उनमें आप ट्रांजिस्टर ढूंढ सकते हो, तो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर आपको ऐसे सर्किट बोर्ड्स में मिल जाएगा। तो बात आती है दोस्तों ये IR रिसीवर की, तो IR रिसीवर जो है वो आपको ज्यादातर ऐसे सर्किट्स में कोई देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये है कि ये ज्यादातर रिमोट कंट्रोल वाले सर्किट्स में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको ये जो है IR रिसीवर ये पुराने टीवी में देखने को मिलेगा, ओके, जो पुराने जमाने के टीवी थे उनमें देखने को मिलेगा, DVD में देखने को मिलेगा। जो भी ऐसा कंपोनेंट जो आपके घर में होगा इलेक्ट्रॉनिक का जो रिमोट के थ्रू ऑपरेट होता हो उसके अंदर आपको ये मिलेगा। अगर आपको ये आपके घर में कहीं पे नहीं मिलता है तो आप कबाड़ी वाले के शॉप पे जा सकते हो, वहां पे अगर उसके पास कोई DVD या फिर TV पड़ा होगा आप उसे कह सकते हो 5 से लेकर 10 रुपए में वो आपको मान जाएगा और ये छोटा सा कंपोनेंट आप वहां से निकाल कर ले आ सकते हो। बाकी जो आपको अगर कोई कैपेसिटर ढूंढना है तो वो तो आपको ऐसे कई सर्किट्स में देखने को मिलेगा जहाँ पे आप कैपेसिटर घर बैठे बैठे ढूंढ सकते हो, ट्रांजिस्टर भी ढूंढ सकते हो। यहाँ पे देखिए कितने तरीके के ट्रांजिस्टर लगे हो, ये एक ट्रांजिस्टर, अगर आपको मैं और दिखाना चाहूँ तो देखिए कितने सारे कैपेसिटर LEDs मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो ऐसे कई तरीके के सर्किट बोर्ड मैंने यहाँ पर जमा करके रखे हुए, जब जब ये खराब हो जाते मैं इन्हें रख लेता हूँ। उसका रीजन यही है कि आगे जाकर कभी ना कभी ये कोई ना कोई प्रोजेक्ट में इनमें से कोई ना कोई पार्ट मुझे यूज में आ जाता है। तो देखिए दोस्तों हमारे घर में जो इस तरीके का LED बल्ब होता है उसके अंदर आपको ये ट्रांजिस्टर जो है वो मिलेगा BD140। आपको इसे कुछ इस तरीके से खोल लेना है, यहाँ से आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे खोल सकते हो। अब ये मेरे पास में नया बल्ब है, तो आपके पास में जो वेस्ट बल्ब होता है जो बंद किया होता है उसे आप खोल सकते हो और उसके अंदर आपको ये BD140 ट्रांजिस्टर जो है देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो कैपेसिटर है ये भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, तो कैपेसिटर की वैल्यू जो है 16 वोल्ट से ज़्यादा भी होगी तो भी चलेगा, 470 माइक्रोफेरेड तक भी चलेगा। ऐसे कैपेसिटर आप कहीं और भी ढूंढ सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए।